टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आज की वीडियो जो शुरू करते हैं, देखिए दोस्तों मैंने जैसे ही रिकॉर्ड चेक किए, जो लास्ट वाला रिकॉर्ड था दोस्तों वो देखिए कौन सा आया हुआ है। लास्ट वाला रिकॉर्ड आया यहाँ पे जो पिकोक, ठीक है पिकोक आया हुआ है। तो पिकोक, पिगन और रैबिट लाइन, ये मेरा एक लोगो रहता है। दूसरा लोगो रहता है दोस्तों मंकी, पांडा, स्वेलो और ईगल का, ठीक है। मतलब कि एक तो रहेगा रैबिट लाइन, पिगन और पिकोक, दूसरा रहेगा मंकी, पांडा, स्वेलो और ईगल का, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने गेम में एंटर किया तो मैंने जो रिकॉर्ड नहीं आए थे लास्ट रिकॉर्ड में से, मैंने सबसे पहले उन पर इन्वेस्टमेंट किया। मैंने शार्क पर इन्वेस्टमेंट किया, ईगल पर इन्वेस्टमेंट किया, पिगन पर किया और लॉइन पर किया। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट टाइम में जो है यहाँ पे, अरे वाह यहाँ पे शार्क आ गया दोस्तों। शार्क पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो लगभग 100 रुपये था, और आपको पता है जब भी शार्क पर जिस पर लगाते हैं वो आ जाए तो 24 गुना मिलता है। मतलब मेरे को यहाँ पे 2400 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा फर्स्ट टाइम में। तो आप अपडेटेड बैलेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए जैसे कि शार्क आ चुका है, जो लास्ट में रिकॉर्ड देखिए शार्क के बाद जो भी मेरे 4 रिकॉर्ड रहेंगे वो दोस्तों पांडा, रैबिट और एक तो पिकोक और पिगन। मतलब कि जो रिपीट हुए हैं, दो तो मैंने वो शार्क के पहले 2 रिपीट वो पिक किए और 2 पिक किए दोस्तों जो लास्ट में रिकॉर्ड में नहीं आए थे। तो अब देखते हैं रोटेट करना शुरू करता है कौन सा लोगो आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो लोगो आया वो आया पिगन का, और पिगन पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 200 का था, और 200 का पिगन पर अपने को लगाने पे लगभग 8 गुना मिलता है और 1600 रुपये जो मेरा इस टाइम प्रॉफिट रहा। तो ऐसी ट्रिक दोस्तों कहीं और देखने को मिल नहीं सकती आपको, जो रोटेट की, कार रोटेट की और जो रोटेट की ज़बरदस्त ट्रिक अपलोड करता हूँ मैं इस चैनल पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लोगो आया वो मतलब कि पिगन और उससे पहले पिकोक, ये कंप्लीट हो गया था। अब जो मेरा लोगो रहेगा वो रहेगा मंकी, पांडा, स्वेलो और रिगल, जो मैंने ट्रिक में पहले बताया कि मैं इन 4 लोगों के साथ जाऊँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इन पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और रोटेट करना शुरू किया, तो दोस्तों लगभग सेकेंड टाइम में देखिए दोस्तों यहाँ पर शार्क फिर आ चुकी है। मतलब कि 3 रिकॉर्ड में 2 बार शार्क आई और दोनों में से हमारा इन्वेस्टमेंट था जो 200 रुपये था, ठीक है। इस बार जो प्रॉफिट रहा 1385 रुपये रहा। तो दोस्तों इस ट्रिक के साथ जब भी आप 4 लोगों के साथ जाएं कभी शार्क को मिस मत करना, शार्क को हमेशा पकड़ के चलना, जितना इन्वेस्टमेंट हो सके शार्क पर करना। अगर आप बाकी लोगों पर 100-100 इन्वेस्टमेंट करते हो तो शार्क पर 50 इन्वेस्टमेंट ज़रूर रखें। अब दोस्तों वही सेम ट्रिक, जो शार्क आ गई है तो शार्क के बाद मैं वो लोगो पिक करके चलता हूँ जो लोगो लास्ट के रिकॉर्ड में नहीं होते, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो स्वेलो है, पिकोक है और पांडा और लाइन, ये लास्ट में रिकॉर्ड में नहीं है। इनमें से सिर्फ एक है जो पिकोक रिपीट होने के चांसेस है, तो पिकोक पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो स्वेलो पर मेरा इन्वेस्टमेंट था 300 रुपये, और 300 रुपये जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरा 525 रुपये यहाँ पर जो है प्रॉफिट रहता है, ठीक है। 525 का प्रॉफिट रहा स्वेलो पर जितना इन्वेस्टमेंट किया था और टोटल इन्वेस्टमेंट किया था। देखिए दोस्तों आप एक चीज़ देख सकते हैं, 4 लोगों मैंने वो पिक किए और शार्क पर मेरा जो है लगभग 150 का इन्वेस्टमेंट था। तो 2 या 3 से रिकॉर्ड में यहाँ पे देखिए दोस्तों 2000 से लगभग 6000 बन गया, मतलब कि 4000 मैंने विन कर लिया 3 मिनट का गेम प्ले करके। मैं आगे और भी आपको वीडियो लंबी थोड़ी सी करने वाला हूँ, सारा गेम प्ले करके दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों वही ट्रिक सेम, 2 बार रिपीट होने के चांसेस। स्वेलो, ईगल और पांडा और मंकी को मैंने पिक किया, ये 4 लोगों को मैं जैसे पिक करके चलता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट वाले रिकॉर्ड में जैसे शार्क आई थी, शार्क के बाद क्या आया था तो पिगन आया था। मेरे को पिगन पिक करना चाहिए था लास्ट वाले रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ये पिगन को पिक नहीं किया, और जो इस टाइम में जो मेरा लॉस रहता है। तो कोई बात नहीं, इस लॉस को हम इस बार में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो लोगो कौन सा आया, पिगन, पिकोक और रैबिट लाइन वाला, ये लोगो आया तो हमारा जो है वही इन्वेस्टमेंट जिस पर हमारा लॉस हुआ। दोस्तों जब भी ऐसे लोगों पकड़ने में आपका पहली बार लॉस हो जाए, अगली बार जो इन्वेस्टमेंट आपका डबल होना चाहिए, ठीक है। मैंने इक्वल इन्वेस्टमेंट रखा सभी लोगों पे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ईगल आ चुका है, ठीक है। ईगल पर हमारा इन्वेस्टमेंट है 200 रुपये का, मतलब कि 12 गुना मिलेगा, और 12 का 2400, जितना मतलब लॉस किया उससे ज़्यादा मैंने प्रॉफिट कर लिया। तो सेकंड टर्न में ही प्रॉफिट कर लिया। ऐसे में क्या होता है कि अगर मैं पिगन और पिकोक और रैबिट लाइन के साथ जाता तो मेरा लॉस हो जाता, ठीक है। उसके मैं उसी लोगों के साथ गया जो पहले 4 लगाए थे, पहले 4 लगाए तब मेरा लॉस हो गया था, लेकिन अब 4 जो लगाए मैंने इसमें मेरा विन रहता है। तीनों लोगों देखिए दोस्तों जो बर्ड वाले लोगों हैं तीनों डिफरेंट हैं, तो मैं सेम उसी लोगों के साथ जाऊँगा, मंकी, पांडा, स्वेलो और ईगल, और 200 रुपये मैंने शार्क पर इन्वेस्टमेंट किए। तो देखते हैं कौन सा लोगो आएगा कौन सा नहीं आता है। यहाँ पे जो जिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो लोगो नहीं आया दोस्तों, क्योंकि लाइन का लोगो आ गया।
एक बार वो लोगो आ रहा है, एक बार वो लोगो आ रहा है, ऐसी कुछ ट्रिक चल रही है। तो कोई बात नहीं, अब जैसे लाइन का लोगो आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो मेरा लॉस में गया। अगर मैं एक एक ऐसे करके ट्रिक को यूज़ करता तो यहाँ पे लाइन मेरा अब की बार मिस नहीं होना था। तो कोई बात नहीं, देखिए दोस्तों दो जो है 12 गुना 12 गुना वाले दो लोगो आ चुके हैं और उससे पहले 8 गुना लोगो आया। तो मेरी ट्रिक वही दोस्तों, तीन जो चार लोगो है मैं शुरू में से आपको बताया, जो चार लोगों आपको पकड़ के चलने हैं, सेम उसी के साथ। फर्स्ट टाइम लॉस हुआ, अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कर देता हूँ, देखते हैं लॉस होता है या विन होता है। यहाँ पे अगर दोस्तों आ गया तो मेरा जो लॉस है कवर हो जाएगा, अगर ना आया तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, मतलब कि पांडा पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो था लगभग 250 रुपये और 862 रुपये जो है इस बार प्रॉफिट। पिछली बार 1K मेरा लॉस हुआ था, 862 प्रॉफिट। लेकिन ऐसे में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक बार लॉस हो सकता है, दो बार लॉस हो सकता है, लेकिन जब ट्रिक हाथ लग जाती है दोस्तों तब लॉस होने के चांसेस नहीं होते। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने 2000 से शुरू किया था, बीच में दो बार लॉस भी किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने जो अब विन किया लगभग 4000 रुपये विन कर लिया। अब दोस्तों मैं उन लोगों के साथ जाऊँगा, मतलब देखिए वो लोगों जो मैंने पहले पकड़े नहीं थे, मतलब अब जो मेरा पैटर्न चेंज हो गया, रैबिट, लाइन, पिकॉक और पिगन, ठीक है, इस पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो देखते हैं कौन सा लोगो आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लाइन का लोगो आ चुका है और लाइन का लोगो पिछली बार हमारा मिस हो गया था, क्योंकि अब जो मेरे को ट्रिक पता चल गई थी कि एक बार वो आ रहा है, एक बार वो आ रहा है, एक बार वो, एक बार वो, मतलब एक बार तो आ रहा था मंकी पांडा वाला जो मेरा मतलब पैटर्न है वो आ रहा था, अब दूसरी बार आ रहा था जो पिगन और पिकॉक रैबिट लाइन ये आ रहा था। तो इसलिए मैंने पहले जो पांडा पर इन्वेस्टमेंट किया वो आ गया, अब लाइन पर इन्वेस्टमेंट किया वो आ गया, ठीक है दोस्तों। तो फिर से अब यहाँ पे ट्रिक चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने डबल इस लोगों के साथ गया। तो मतलब कि रैबिट और लाइन मेरे को पिगन और पिकॉक यहाँ पे मेरी ट्रिक के हिसाब से लगाना चाहिए था। तो देखते हैं कौन सा होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉस हो सकता है क्योंकि जो है ट्रिक यहाँ पे चेंज कर ली मैंने। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था मेरे को पिकन पिकॉक और पिगन पर लगाना चाहिए था, क्योंकि जो पहले वाले बीस्ट में से जो लोगो लगाए थे वो मैंने लाइन और रैबिट लगाए थे, तो उसी के हिसाब से ये मेरी ट्रिक काम करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो मेरा सेकंड टाइम लॉस हो जाता है, तो इस बार जो लॉस हुआ दोस्तों वो कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़, पिकॉक और पिगन मतलब कि सेम लोगो वाले जो लोगो आए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो अब जो है मेरा मतलब कि एक मंकी जो है, मंकी आने के चांसेस है क्योंकि मंकी पिछले रिकॉर्ड में नहीं आया। उससे पहले देखिए जो पिकॉक के पहले जो लाइन है, मैंने लाइन पिक कर लिया, पिकॉक पिक कर लिया, दो लास्ट वाले रिकॉर्ड पिक कर लिए और दो रिकॉर्ड पिक कर लिए दोस्तों जो नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट मंकी पर था और मंकी वाला लोगो आ चुका है। तो दो दो लोगो डिफरेंट करके भी मैंने यहाँ पे जो विन किया, दो सेम लोगो पकड़ के भी विन किया, शार्क भी विन किया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।